राजस्थान भाजपा की ओर से नए मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद अजमेर के लिए भी खुशखबरी सामने आई है। अजमेर से उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी को राजस्थान विधानसभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है। जयपुर से खबर अजमेर आते ही भाजपा समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। समर्थकों ने अजमेर शहर के गांधी सर्किल पर एकत्रित होकर जमकर आतिशबाजी की। ढोल ढमाकों के बीच भाजपा समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। देवनानी समर्थक और भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि स्पीकर बनाने से अजमेर की जनता को सम्मान मिला है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के नियुक्त होने पे और अजमेर उत्तर के यशस्वी विधायक हमारे वासुदेव देवनानी जी के स्पीकर मनोनीत होने पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में, युवाओं में, महिलाओं में और अजमेर शहर के नागरिकों में अपूर्व उत्साह है। और उत्साह में यहाँ भव्य आतिशबाजी का आयोजन किया गया, ढोल नगाड़ों के साथ नाच किया गया हमारी, जिसमें महिला भाजपा महिला की कार्यकर्ता है, युवा और सभी हमारे कार्यकर्ता उपस्थित थे। अजमेर शहर में भव्य खुशी का माहौल है और अब अजमेर शहर नई ऊंचाइयां विकास के लिए छुएगा। अनिश मोयल, संभाग मीडिया प्रभारी अनिश। बिल्कुल, ये पूरे प्रदेश के लिए और अजमेर के लिए भी गौरव का विषय है कि जो संगठन के कार्यकर्ता थे भजनलाल जी शर्मा, आज उनके मुख्यमंत्री के ऊपर नियुक्ति हुई है। इसी के साथ साथ जो वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे, पूर्व के अंदर शिक्षा मंत्री भी रहे, और अजमेर के लिए भी सौभाग्य की बात है कि आज संगठन ने उनको एक बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व दिया है विधानसभा अध्यक्ष का, जिसके लिए आज गांधी भवन चौराहे के ऊपर पूरा युवा मोर्चा, पूरा भाजपा संगठन बिल्कुल यहाँ पे खुशियाँ मना रहे, पटाखे फोड़े जा रहे और उसके साथ साथ लड्डू बांट के और ये खुशियाँ पूरे अजमेर शहर में बांटी जा रही है। राहुल जैसा